गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू फिजिकल एजुकेशन यूनिट थर्ड, योगा एंड लाइफ स्टाइल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पवन मुक्ता आसन के बारे में। तो पवन मुक्ता आसन के प्रोसीड्यूर की वो कैसे करते हैं और उसके बेनिफिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रोसीड्यूर एंड बेनिफिट्स फॉर पवन मुक्ता आसन। तो पहले हम प्रोसीड्यूर पढ़ते हैं। लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन अ प्लेन सरफेस, कीप योर फीट टुगेदर एंड प्लेस योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडी। टेक अ डीप ब्रीथ, व्हेन यू एक्सहेल ब्रिंग योर नीज टॉवर्ड्स योर चेस्ट एट द सेम टाइम, प्रेस योर थिंग्स ऑन योर एब्डोमेन, क्लेस्प योर हैंड्स अराउंड योर लेग, होल्ड द आसन्स व्हेन यू ब्रीथ नॉर्मली। एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट यू लूजन द ग्रिप, एक्सहेल एंड रिलीज द पोज आफ्टर यू रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड 3 times। इसका मतलब है जो पवन मुक्त आसन करने की प्रक्रिया है वो कैसी है। हमें एक समतल सतह पर लेट जाना है, मतलब एक सीधी सतह पर जो प्लेनो हमें वहाँ पर लेट जाना है। हमें अपने पैरों को एक साथ रखना है और अपने हाथों को अपने शरीर के बगल में रखना है। एक गहरी सांस लेनी है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर लाना है। उसी समय अपनी जांघों को अपने पेट पर दबाएं, अपने हाथों को अपने पैरों के चारों ओर घुमाएं। जब आप सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो आसन को पकड़ें। जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो हमें आसन वाली पोजीशन को पकड़ना है। उसके बाद हम सांस लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने पकड़ ढीली कर दी है। रॉक करने के बाद पोज को छोड़ें और 3 बार साइड से रोल करें। साइड से रोल का मतलब है कि हमने आसन की पोजीशन में पहले बॉडी को लेफ्ट हैंड की साइड टर्न करना है, फिर राइट हैंड की साइड करना है। मतलब हमें रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड करना है 3 times। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। इट इजेज द टेंशन इन लोअर बैक, इन एनहेंस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया, इट स्टिमुलेट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, इट हेल्प्स टू क्योर मेस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फैट्स ऑफ द थिंग्स बटक्स एंड एबडोमिनल। इसका मतलब यह है कि जो इसके फ़ायदे हैं वो यह है, यह पीठ के निचले हिस्से में तनाव को कम करता है, यह श्रेणी क्षेत्र में रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, यह प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है, उसके बाद यह मासिक धर्म संबंधी विकारों को ठीक करने में मदद करता है, यह जांघों, नितंबों और पेट की वसा को कम करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद हमारा आता है अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है, तो अस्थमा के बारे में हम जानेंगे कि अस्थमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ लंग्स इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड और नैरोड, कॉजिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। द एयरवेज ऑल्सो स्वेल्स अप एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, इट यूजली ट्रिगर्स कफिंग, वीजिंग और विस्लिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। द कफिंग यूजली ऑक्यूर्स एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो अस्थमा है वह फेफड़ों का एक रोग है जिसमें वायु मार्ग अवरुद्ध या संकुचित हो जाता है, जिससे सांस लेने में हमें कठिनाई होती है, वायु मार्ग में भी सूजन आ जाती है और अतिरिक्त बलगम निकलने लगता है। यह आमतौर पर खांसी, घरघराहट या सीटी या सांस की तकलीफ को ट्रिगर करता है। खांसी आमतौर पर हमें रात में या सुबह ही होती है, जो खांसी होती है वो ज़्यादातर हमें रात में या सुबह ही होती है। उसके बाद हम आते हैं प्रोसीड्यूर एंड बेनिफिट्स फॉर मत्स्य आसन। तो हम मत्स्य आसन कैसे करना है वो बताएंगे और इसके बेनिफिट्स क्या है वो बताएंगे। तो हम बताएंगे प्रोसीड्यूर ऑफ मत्स्य आसन। फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन, सिट इन पद्मासन, देन लाई डाउन इन सुपाइन पोजिशन एंड मेक एन आर्च बिहाइंड, होल्ड योर टोज विद द फिंगर्स ऑन योर हैंड्स, स्टे फॉर सम टाइम इन द पोजिशन। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है, इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन, नी पेन एंड टॉन्सिलेट्स, इट ऑल्सो क्योर्स द डिफेक्ट्स ऑफ आइज, स्किन डिजीज कैन बी क्योर्ड इट वी प्रैक्टिस दिस आसन रेगुलरली। दिस आसन इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, इट हेल्प्स इन रिलीविंग टेंशन इन द नेक एंड शोल्डर्स। तो हमारा जो
मत्स्य आसन है। मत्स्य आसन की प्रक्रिया और लाभ हम इसके बारे में बात करेंगे। मत्स्य आसन हमें कैसे करना है, इस आसन को करने के लिए पहले हमें पदासन में बैठना है, फिर लापरवाह स्थिति में हमें लेट जाना है और पीछे एक आर्च बनाना है। आर्च का मतलब होता है जैसे ये लड़की आपको दिख रही है, इसने बीच में एक ऊपर गैप दिया है, वो आर्च होता है। अपने हाथों की उंगलियों से अपने पैर की उंगलियों को पकड़ना है। इस स्थिति में कुछ समय तक हमें रहना है और इसके जो बेनिफिट्स है, यह पीठ दर्द, घुटनों के दर्द को ठीक करने में हमारी मदद करता है। मेथी सायना और टॉन्सिलिट्स भी इसकी, यह आंखों के दोषों को भी ठीक करता है। चर्म रोग को ठीक किया जा सकता है यह आसन करके। यदि हम नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करते हैं तो यह आसन उपचार के लिए हमारे बहुत सहायक है। इससे डायबिटीज़ भी दूर होती है। यह गर्दन और कंधों में तनाव को दूर करने में हमारी जो है बहुत मदद करता है। अब हम आते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन क्या होती है? अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज टू हाई। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, हमारा हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर हो जाता है तो वो हमारे लिए डेंजर होता है। तो वैसे ही हम बात करेंगे हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन जो है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है हमारे लिए बहुत डेंजर है। एक ऐसी स्थिति है हाइपरटेंशन जो कि धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त का बल बहुत अधिक कर देती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिस चक्कर से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हमें कोई भी अटैक आ सकता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है जो हाइपरटेंशन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीड्यूर, बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशन फॉर वज्रासन। तो ये वज्रासन क्या है? तो जो वज्रासन है उसके प्रोसीड्यूर, बेनिफिट और कंट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे इसके। तो वज्रासन के प्रोसीड्यूर हैं, इट इज़ अ मेडिटेटिव आसन। नील डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर नीज, एंकल एंड टोज टचिंग द ग्राउंड, योर टोज शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड। नाउ प्लेस योर palms of both hands on the knees. The upper body should be straight at the time. The breath should be deep, even and slow. तो हम इसके प्रोसीड्यूर पढ़ेंगे। इसके प्रोसीड्यूर हैं क्या है? इसके प्रोसीड्यूर जो वज्र आसन की प्रक्रिया है उसके लाभ और सिर के क्राउन के लिए मतभेद, वज्र आसन टकटकी की ओर इशारा करते हैं और आपके अंत में बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मंजिल पर प्रक्रिया, यह एक ध्यान का आसन है, हमें ध्यान केंद्रित करना है। अपने घुटनों, टखने और पैर की उंगलियों को जमीन से स्पर्श करते हुए घुटनों के बल हमें नीचे झुकना है। अपने पैर की उंगलियों को पीछे की ओर बढ़ाया जाना चाहिए। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रखना है। ऊपरी शरीर सीधा होना चाहिए। इस समय श्वास गहरी, सम और धीमी होनी चाहिए। इसको जो बेनिफिट है वो है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर कंसंट्रेशन, इट इज़ हेल्पफुल इज क्योरिंग डायसेंटरी, बैक पेन एंड चेस्ट डिजीज, इट एनहेंस मेमोरी, इट क्योर्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब यह है, यह पेचिस, कमर दर्द और छाती के रोगों को ठीक करने में सहायक है। यह याददाश्त बढ़ाता है। यह मासिक धर्म में संबंधित समस्याओं को ठीक करता है। जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति को वज्रासन नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके बेनिफिट्स हैं। इन क्योर्स प्रॉब्लम रिलेटेड इन मेस्टिट्यूशन, ये जो है यह याददाश्त हमारी बढ़ाता है और यह जो मानसिक धर्म की समस्या है उनको भी ठीक करता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि ये किसको नहीं करना चाहिए? आ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। द इंडिविजुअल वो हैव एनी स्पिनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। इसका मतलब यह है, जिन व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ है उन्हें वज्रासन नहीं करना चाहिए और जिस इंसान को जोड़ों में दर्द से पीड़ित है व्यक्ति को वज्रासन नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं प्रोसीड्यूर, बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशन फॉर पादहस्तासन। तो ये पादहस्तासन क्या है? ये इसके प्रोसीड्यूर है, बेंड फॉरवर्ड अंटिल द फिंगर और पाम्स ऑन द हैंड्स टच द फ्लोर ऑन एदर साइड ऑफ द फीट। ट्राई टू टच द नीज विद द फॉरहेड, डू नॉट स्ट्रेन, कीप द नीज स्ट्रेंथ, एक्सहेल विल bending forward, try to contract the abdomen in the final position to expel the maximum amount of air from lungs. तो ये जो हमारा पादहस्तासन का प्रोसीड्यूर ये है
कि हमें हाथ की उंगलियों या हथेलियों पैरों के दोनों और फर्श को छूना है, तब तक आगे झुके माथे से घुटनों को छूने की कोशिश करनी है, तनाव ना लें, घुटनों को सीधा रखें। आगे झुकते समय सांस छोड़ें, फेफड़ों से हवा की अधिकतम मात्रा को बाहर निकालने के लिए पेट को अंतिम स्थिति में आपको क्या करना है, अनुबंधित करने का प्रयास करें। पारहंसा आसन के जो अब लाभ है मैं आपको वो बताऊंगी, बेनिफिट्स ऑफ पारहंसा आसन। इट मेक्स द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल, इट स्ट्रेस द लेग एंड बैक मसल्स, इट हेल्प्स टू एलिमिनेट्स एक्सेस बेली फैट, इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड टोन्स द नर्वस। इसके जो बेनिफिट्स है वो ये है, यह पैर और पीठ की मांसपेशियों को फैलाता है, यह पेट की अतिरिक्त चर्बी को खत्म करने में मदद करता है, यह रीढ़ को लचीला बनाता है और तंत्रिकाओं को टोन करता है, ठीक है। और जो अब इसके कॉन्ट्रडिकेशंस है वो क्या है, द इंडिविजुअल्स वो है बैक पेन शुड अवॉइड द आसन, एटलीस्ट दे शुड नॉट बैंड फॉरवर्ड फुली, दे कैन बैंड देमसेल्व्स ओनली एज फॉर एज कंफर्टेबल। तो ये इसके मतलब ये है कि किसको नहीं करना चाहिए, जिन व्यक्तियों की वो को पीठ में दर्द है उन्हें इस आसन से बचना चाहिए, कम से कम उन्हें पूरी तरह से आगे नहीं झुकना चाहिए, वे खुद को केवल उतने ही आराम से मोड़ें जितना वो मुड़ सकते हैं। थैंक यू।